वेलकम बैक माई चैनल अनु गुप्ता व्लॉग्स। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ पंचामृत की रेसिपी, मतलब कैसे बनाते हैं। ये कृष्ण जी का प्रिय भोग है जो लगता है उनको जन्माष्टमी वाले दिन, और जन्माष्टमी जैसे कि आने वाली है तो ये सारी तैयारी हम करेंगे आज। तो बनाना बहुत आसान है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती बनाने में, और आज मैं इसको थोड़ा अलग तरीके से बनाऊँगी और आपको बताती हूँ कि मैंने क्या क्या लिया है। ये मैंने आधा कटोरी, एक कटोरी बोल सकते हैं, आधा तो नहीं, फुल कटोरी भर के ये मैंने दही लिया है। ये दही ले रखा है मैंने, फ्रेश दही है, बासी दही नहीं लेना है आपको। और एक कटोरी ये मैंने कच्चा दूध लिया हुआ है, इसमें दूध कच्चा लिया जाता है, उबला हुआ दूध नहीं लेना है। ये मैंने मखाने लिए हैं, 8 या 10 मखाने जिनको मैंने काट लिया है। और ये 3 या 4 छोटी चम्मच शहद की हैं, चीनी का यूज़ हम इसमें नहीं करेंगे, हम इसे शहद से ही बनाएंगे। और थोड़ा सा ये गंगा जल लिया है मैंने, ताकि प्रसाद बन रहा है तो उसमें तो ये ज़रूर डलेगा। ये दही है, सबसे पहले इसको डाल लेंगे बाउल के अंदर, एक बड़ा सा बाउल लेंगे और सारी चीज़ें उसमें ये डाल देंगे। दही को अच्छे से मैंने फेंट लिया है ताकि ये थोड़ी गाढ़ी गाढ़ी भी ना दिखे और ठीक बने। और अब इसमें हम ये डाल देंगे दूध, और दूध और दही डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से इसे मिक्स करेंगे। दही को ज़्यादा पतला भी ना करें, क्योंकि फिर ये प्रसाद थोड़ा पतला पतला अच्छा नहीं लगता, थोड़ा गाढ़ा ही इसे रखें। ये देखिए, ये बिल्कुल सही, ये देखिए बिल्कुल सही तरीके से फिट गई है ये। अब हम इसमें डाल देंगे ये मखाने अपने, मखाने को अच्छे से इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। नेक्स्ट डालेंगे इसके अंदर ये शहद, सारा शहद डाल देंगे, ये देखिए। और शहद को डालने के बाद इसको अच्छे से कर लेंगे मिक्स। अगर आप इसमें चीनी का यूज करना चाहते हैं तो चीनी भी यूज कर सकते हैं, मैंने इसमें शहद का यूज किया है खाली, ये देखिए। थोड़ा सा इसमें डाल लेंगे ये गंगा जल, 1 या 2 चम्मच, अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि जितनी चीजें हमने इसके अंदर डाली हैं इस पंचामृत में, ताकि ये मिक्स हो जाए सारा। हमने बनाया है इसको, हमने बनाया है दूध, दही, मखाने और शहद और गंगा जल से बनाया, तभी इसको पंचामृत कहते हैं, या चनामृत जो भी आपके यहाँ बोला जाता है। फ्रेंड्स, आपने हमारा ये कितनी जल्दी तैयार हो गया पंचामृत, और ये बनाने में भी बहुत आसान है और जल्दी भी बन जाता है। और प्लस इसको मैंने खाली नहीं बनाया, इसको मखानों के साथ बनाया है। वरना अगर आप मखाने अवॉइड करना चाहते हैं, स्किप करना चाहते हो, मखाने हटा दीजिए, बाकी सारी चीज़ें इसके अंदर डाल दीजिए। और इसके अंदर जब आप इसको भोग लगाएं तब इसमें तुलसी का पत्ता ज़रूर डाल दीजिए जब भोग लगाएं, क्योंकि तुलसी का पत्ता डाले बगैर कृष्ण जी का कोई भोग पूरा नहीं होता। ये मैंने अभी आप लोगों के लिए ये बना के दिखाई है कि ये कैसे बनाते हैं, और जन्माष्टमी वाले दिन मैं और एक अलग सी ताज़ी ये बनाऊंगी। और कोशिश करिएगा कि इसको जब बनाएं अपने हाथ वाथ धो के, और अगर ये मखाने आप जिससे भी काट रहे हैं वो प्याज या लहसुन से अगर बाई चांस धुला भी हो या कटा भी हो, तो उसे धो धा के थोड़ी देर पहले रख के फिर इसको यूज़ करें। और हाथों से भी मखाने वैसे टूट जाते हैं। आपको ये मेरी वीडियो छोटी सी कैसी लगी प्लीज़ बताना, और आपको अगर ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा। और चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा, और राधे कृष्णा जरूर लिखना कमेंट्स के अंदर जो भी मेरी ये वीडियो देखे। और अगर आपको ये पंचामृत वाली वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जैसा कि मैंने आपको पहले बोला है। और ये आप जन्माष्टमी वाले दिन आराम से बना सकते हैं, बहुत इजी रेसिपी है। और प्लस थोड़ा सा इसके अंदर मैंने चेंज किया है, ट्विस्ट है कि ये मखानों के साथ मैंने बनाया है। तो फिर मिलूंगी मैं आप सब अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। राधे राधे।